Hey guys, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैंने ऑनलाइन ये जो स्ट्रिप लाइट है इसको ऑर्डर किया था। सो ये लाइट जो है ये वॉर्म लाइट है, तो इसको मैं किचन में फिक्स करने वाली हूँ। और ये जो मेरा पुराना स्ट्रिप लाइट था ये बहुत अच्छा था, लेकिन बीच बीच में ना ये मतलब दो मैंने लगाया था तो एक थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बाकी एक बिल्कुल सही था। इसका कलर जो है वाइट कलर का था, तो दूसरे वाले जो मैंने अभी लगाए उसके कलर के साथ इसका लाइट का कलर मैच नहीं हो रहा है। सो मैं ये जो स्ट्रिप है इसको पूरा ही निकाल दूंगी और उसके बाद मैं नया वाला यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। और इसको स्टिक करने के लिए मैंने 3 mm जो अटैच टेप है इसको ऑर्डर किया था। इसका एक का प्राइस है 322 rupees। और सारे जितने भी सामान यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो मैं पहले क्या करूँगी, ये जो टेप है इसको मैं पहले लाइट के साथ स्टिक करूँगी। जैसे यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे हेल्प कर रहे हैं, और ये जो लाइट है ना आप पहले इसका मेजरमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद मेजरमेंट के हिसाब से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं जो 3 mm जो टेप है उसको मैं स्टिक कर रही हूँ पहले, और उसके बाद आपको जहां इसको स्टिक करना है उसको स्टिक कर लीजिए। और ये बहुत ही इजी रहता है इसको इस तरह से फिक्स करना। और ये जो लाइट है ना ये हमने दो ऑर्डर किया था, एक तो काउंटर टॉप के लिए, दूसरा ऊपर टॉप का जो पोर्शन है उसके लिए। सो जो चीज़ हमारे किचन में सबसे प्रॉब्लम करती थी वो था लाइट का, लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो हम लोग सोच रहे कि इस दो जो स्ट्रिप लाइट है इसको लगा के किचन का जो लाइटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कितना प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और अगर आप इसको बेंड करके लगाना चाहते हो तो आपको क्लिप का मदद लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्लिप के मदद से इसको बेंड किया है। अगर आप स्ट्रेट इसको लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कमांड टेप से ही ये स्टिक हो जाएगा। सो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं किचन का जो क्लीनिंग है वो मंथली करती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है उस टाइम पे ही मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि किचन और घर का कोई भी कोना हो इसको थोड़ा बहुत क्लीन करना ही पड़ता है मंथली। रेगुलर बेसिस में जो डस्टिंग होता है वो तो थोड़ा बहुत होता ही है। सो यहाँ पर ना थोड़ा बहुत मैं चेंज भी करने वाली हूँ, लेकिन जो पोटैटो ऑनियन और गार्लिक का जो कंटेनर है उसको मैं यहाँ से नहीं हटाऊँगी, वो तो इधर ही रहेगा। और इस बार जो मेजर चेंज मैं कर रही हूँ वो है इस सेल्फ का। यहाँ पे मैंने अपने जो मग के कलेक्शन था वो सब रखा था, तो इस बार मैं ये सारा सामान हटा दूँगी और यहाँ पे कुछ नया सामान ऐड करूँगी। और अभी मैं जो किचन का जो लैमिनेशन है उसको कॉलिन से क्लीन करूँगी। इसको मैं कॉलिन से ही क्लीन करती हूँ, कॉलिन से ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। अभी मैं आ गई हूँ किचन के काउंटर टॉप के पास और ये जगह मैं थोड़ा बहुत चेंज करने वाली हूँ इस बार। सो सबसे पहले सारा सामान हटा के मैं इस जगह को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगी। और जो मेरा मिक्सी है और वाटर हीटर है उसको मैं इस तरह से ही क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट दे के थोड़ा ऐसे ही ड्राई कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। ये इस तरह से बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि आप किस तरह से आपकी जो वाटर हीटर है इसको क्लीन करते हो, तो इस तरह से ही मैं ड्राई कपड़े से इसको एडजस्ट पोंछ लेती हूँ और थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट देके पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ड्राई कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर जो चेंजेस मैं करने वाली हूँ वो है माइक्रो ओवन को मैंने दूसरी जगह पर लगाया है।
अपनी किचन का क्लीनिंग करती हूँ, तो हर मंथ जब क्लीन करती हूँ तो थोड़ा बहुत चेंजेस करती ही रहती हूँ। तो इस बार मैंने क्या क्या चेंज किया है अपने किचन पे, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो पीछे का पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो सेल्फ है ना, ये मैंने अमेजोन से लिया था। एक्चुअली मैंने एक मग कलेक्शन का एक बनाया था कि यहाँ पे मैं सारे मग को रखूंगी, कॉफी मग, टी कप, ये सब। तो ऊपर के सारे दाल वगैरह, और यहाँ पे मैंने लेबल लगा दिया है। ये लेबल जो है ये ब्लैक कलर का है, ये वाटर प्रूफ नहीं है, फ्रिज में ये अच्छा नहीं रहता है, उड़ जाता है। वाटर प्रूफ वाला अलग है, ये ऐसे अगर आप बाहर ऐसे रखना चाहते हो तो ये वाला स्टिकर यूज कर सकते हो। और ऊपर मैंने टी और शुगर का जो कंटेनर है वो रखा है, और ये मेरा एक DIY है, इसके ऊपर मैंने ईट हेल्दी स्टे हेल्दी ऐसा कुछ लिख के रख दिया है। ये बहुत पुराना है, और ये कुछ छोटे छोटे प्लांट्स मैंने खरीदा था तो इसको मैंने लगा दिया है। ये जगह मैंने एकदम से चेंज कर दिया है, तो कैसा लग रहा है जरूर बताना। इसके बाद आप जो देख रहे हैं ना, ये मेरा कॉफी यूनिट है, इसको मैंने बनवाया था, रिसेंटली बनवाया था। ये ना मतलब डाइनिंग टेबल के साइड पे था, डाइनिंग टेबल का जो स्पेस था ना बहुत कम हो गया था, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको ना घुमा के थोड़ा सा आगे कर दिया है, ताकि डाइनिंग टेबल का जो स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा रहे, और किचन के इस साइड का पोर्शन अगर थोड़ा कम ही होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको इस साइड पे कर दिया है। इसके अंदर ना मेरे बहुत सारे ग्लास के जो कलेक्शन है वो सब है, और ये जो पोर्शन है ना इसको मैंने जो चेंज किया है, ये पोटेटो ऑनियन का कंटेनर जो है यही पे था, मैंने यहाँ पे ये एक वुड का मेरा हॉटपॉट है, मतलब रोटी वगैरह रखने के लिए, और ये केक ट्रे है, इसको मैंने यहाँ रख दिया है, और ये कुछ चॉपिंग बोर्ड है, और मैंने नाइफ सेट को यहाँ रख दिया है। जो वेजिटेबल कटिंग का जितना सारा सामान है ना सारा कुछ मैंने यहाँ रख दिया है, और वेजिटेबल कटिंग मैं ज्यादातर यहीं पे करती हूँ, ये इस पोर्शन पे। इस साइड पे मेरा गैस स्टोव है, तो यहाँ पे वेजिटेबल को कट करती हूँ, तो यहाँ से लेके ना यहाँ पे वेजिटेबल कट करना मेरे लिए बहुत ईजी होगा, तो इसके लिए उसको मैंने वहां रख दिया है। और जो चेंजेस मैंने किया है, ये जो विंडो था ना इसमें दो, आपने देखा होगा मेरा दो बास्केट रहता था, उसको मैंने हटा दिया है। उसको मैं कहाँ यूज करती हूँ वो तो आने वाले वीडियो पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना मैंने दो आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, बीच में मैंने मनी प्लांट रख दिया है यहाँ पे, और ये ना जब मैं कुकिंग करती हूँ थोड़ा सा इसको आगे लेके करती हूँ, इस तरह से, और कुकिंग करने के बाद मैं इसको थोड़ा पीछे कर देती हूँ। और यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे मेरे जो मसाले की डब्बा है वो है, और ये टिश्यू पेपर रखा हुआ है, घी रखा हुआ है, ये तो जैसा था वैसा ही है। यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, जस्ट मैंने इसको ऐड कर दिया है ताकि नीचे का पोर्शन मैं यहाँ पे यूज कर सकूं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सब्जी वगैरह बना के ना मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि सब्जी रखने का जगह नहीं मिलता है, तो मैंने ये जगह थोड़ा सा खाली रखा है नीचे का पोर्शन। ये रखा है, ये जैसा था वैसा ही है, और ऊपर का पोर्शन ना मैंने छोड़ के रखा है, क्योंकि वहां पे ना एक तो मैं उसको निकाल नहीं पाती हूँ, और कुछ भी रखती हूँ ना तो थोड़ा ऑयली हो जाता है, तो इसके लिए मैंने उसको छोड़ दिया है। और चिमनी जो है, ये मेरा कुचिना का चिमनी है, और ये मैं खुद ही घर पे ही क्लीन करती हूँ। इसको किस तरह से क्लीन करती हूँ इसका डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पे है, तो अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा किस तरह से क्या क्या सॉल्यूशन मैं यूज करती हूँ क्लीन करने के लिए। उसके बाद ये मेरा एक्वागार्ड है, ये तो पहले से ही है, ऐसा कोई चेंजेस यहाँ पे भी नहीं हुआ है। ओके, तो जो चेंज मैंने किया है, और एक वो है इस कॉर्नर का, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये जो माइक्रोविन था वो एकदम कॉर्नर पे था, तो उसको मैंने लेके मैं इधर आ गई, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा एक पॉइंट है, तो यहाँ पे माइक्रोविन मेरा मतलब यूज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रखा है। उसके बाद मैंने इस ट्रे पे सारे बॉटल्स रखे हैं पानी के, और ये तो सामान ना मेरा इधर ही था, एक ट्रे के अंदर मैंने इसको रख दिया है, मेरा एक वाटर हीटर और मिक्सी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से मैं इसको हटा नहीं सकती। और हाँ, जो बचा हुआ ये कॉर्नर है, यहाँ पे हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ सेटअप करेंगे, क्या सेटअप करेंगे वो बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए इस जगह को मैंने खाली रखा है, और यहाँ पे मैंने इस टैंक को मतलब टेम्पोररी रख दिया है, और यहाँ पे मैंने अचार में जो डब्बा रखा है, ये एक्चुअली अचार जो है ना पहले मैंने फ्रिज में रखा था, अभी विंटर में ना मतलब ठंडा अचार आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये इसको ना आप आराम से फ्रिज में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप
फ्रिज में रख के इसको बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हो। सो हम लोग अभी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस है, तो इसके लिए हम लोगों ने बाहर रखा है क्योंकि विंटर है। समर होता तो फ्रिज से ही निकाल के हम लोग खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्पून स्टैंड रखा है, ये एक्चुअली मैंने होम सेंटर से लिया था, तो इसके अंदर मैंने सारे स्पून डाल के रख दिया है। और ये एक सॉल्ट एंड पेपर का है, ये मैंने रोला मार्केट से लिया था शायद। तो ये है बस, यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, ऊपर का पोर्शन जैसा था वैसा ही है। ये तो आपको पता ही है मेरे बेडरूम पे था ये फ्रेम, तो इसको मैंने अभी मेरे किचन के साथ ये मैच होता है तो मैंने किचन पे लगा दिया है। तो ये रहा मेरा मंथली किचन क्लीनिंग रूटीन। तो इस तरह से मैं किचन को क्लीन करती हूँ, और इस बार मैंने दो चार चीज़ें ऐड किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, तो मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये लाइट बिलीव भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे जो किचन में जिसका कमी था वो था लाइट का। मतलब जितना भी मैं किचन को डेकोरेट कर लेती थी बट लाइट के वजह से वो इतना मतलब कैमरे में नहीं नजर आता था, तो ये लाइट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो ये कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का किचन टूर, मैंने मेरा पूरा किचन का टूर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। कैसा लगा मेरा न्यू किचन का लुक जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।